सो गुड मॉर्निंग, आज हम लोग जूलॉजी के UGZY 103 जो ब्लॉक वन का जेनेटिक्स का पेपर है, इसमें एक टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो स्लाइड या प्रेजेंटेशन आज आपको दिखाया जा रहा है, ये बेसिकली जो अंडर ग्रेजुएट BSc लेवल है उनके लिए है। और अभी तक जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में ब्लॉक वन में देखा था कि जेनेटिक्स वेरिएशन क्या है, ह्यूमन क्रोमोसोम्स क्या हैं, इनकी स्टडी कर लिए। अब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन जो आपके टॉपिक सिलेबस में है इन ड्रोसोफिला, एक फ्रूट फ्लाई है जो डिप्टेरियन इंसेक्ट्स है, और ह्यूमन में हम लोग स्टडी करेंगे। जो ये टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर फ्लाइज में, ड्रोसोफिला फ्लाइज में और ह्यूमन में अगर हम देखें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अचीव होती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में इट रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स कि मेल और फीमेल दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ह्यूमन में जो फिनोटिपिक अपीयरेंस है उससे हम बड़े इजीली कर लेते हैं, लेकिन फ्लाइज में या लोअर ऑर्गेनिजम्स में हम बॉडी साइज और कुछ बॉडी के जो पैटर्न्स हैं उस पर बेस्ड ये स्टडी की जाती है। हायर ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा क्लियर कट डिमार्केशंस हैं, और यूजुअली देखा गया है कि जो मेल है उनको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम कुछ डेफिनेशंस की बात करें, क्योंकि हमारे पास जो लर्नर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के आते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ डेफिनेशंस को क्लियर करना चाहूँगा, देन आई विल प्रोसीड। यूनिसेक्सुअल या डायसियस या गोनोरिक उनको बोला जाता है जिनमें एक फीमेल और एक मेल दोनों हों, दोनों एक साथ ना हो। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल है या मोनोसियस है या हर्माफ्रोडाइट है तो ये क्या करते हैं कि बोथ मेल और फीमेल कैरेक्टर्स को पजेस करते हैं। उसी तरह एक वर्ड आता है इंटरसेक्स का, ये रेफर करता है इंडिविजुअल्स को जिसमें इंटरमीडिएट सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इनडिटर्मिनेट होता है, और इसमें इंडिविजुअल जो है ऑफन स्टेराइल होते हैं। तो ऐसा कुछ केसेस फ्लाइज वगैरह में देखने को मिलते हैं। अगर हम सेक्सुअल डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये किस पे बेस्ड है? पहला, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में ऑटोसोम्स है सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के, वो भी करते हैं, आगे हम लोग स्टडी करेंगे। सेक्स क्रोमोसोम्स है एक्स और वाई ड्रोसोफिला और ह्यूमन के केस में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ये वेरी करते हैं, उसके बारे में भी हम आगे की स्लाइड्स में इसको स्टडी करेंगे। जो डिफरेंशिएशन है इसको फिर से अगर कैटेगराइज करें वेरिएशन के तौर पे, तो ये हेटरोग्रामेटिक सेक्स होगा, मीन्स कि इसमें दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। होमोगैमेटिक होगा जिसमें एक ही तरह का गैमेट बनेगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम एक्स एक्स लें तो ये फीमेल में केस में आएगा, यहाँ पे एक ही गैमेट बनेगा एक्स, और अगर एक्स वाई है जो मेल के केस में है तो यहाँ पे दो गैमेट्स बनेंगे एक्स और वाई। उसी तरह जेड 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 डब्ल्यू जो सिस्टम है वो बर्ड्स वगैरह में देखने को मिलता है। हर्माफ्रोडाइट्स हैं जो टेस्टिस और ओवरी, दैट इज मोनोसियस टाइप, दोनों एक ही में है। लार्वल स्टेज में टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है और उसको स्टोर रखता है, और ओवरीज जो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो जेनेसिस उसका तब तक नहीं होगा जब तक कि वो एडल्ट स्टेज तक ना पहुँचे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें रूल है, उसके द्वारा ही होता है। और हर्माफ्रोडाइट्स मेल और फीमेल अगर मेट करते हैं तो हाफ मेल हर्माफ्रोडाइट और हाफ मेल होंगे और हाफ हर्माफ्रोडाइट। अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें डिफरेंट स्पेसीज में, एनिमल में, प्लांट नहीं, तो ह्यूमन के केस में 44 क्रोमोसोम्स हैं और एक्स वाई हेटरोग्रामेटिक है, यहाँ पे गैमेट जैसा हमने अभी बताया, और फीमेल के केस में 44 एक्स और एक्स, दैट मीन्स कि 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन में मिलते हैं। उसी तरह अगर हम ग्रासहॉपर में देखें तो यहाँ पे 22 प्लस 1 एक्स ओनली, अगर ये कंडीशंस आती है तो ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर 22 क्रोमोसोम्स और
दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो ये फीमेल के केस में, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स जीरो सिस्टम से। ये कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स में मिलते हैं, वन ऑफ एग्जांपल इज ग्रासहॉपर। उसी तरह अगर हम बर्ड्स में देखें, ये चिकन का एग्जांपल्स यहाँ पे लिया गया है, 76 प्लस जेड जेड है। अगर जेड जेड है तो ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर जेड डब्ल्यू है तो ये फीमेल के करेगा। रिमेंबर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डिफरेंट जीनस में वेरी करेंगे और उनके स्पेसीज पे। तो जो जेड डब्ल्यू सिस्टम है ये बर्ड्स में, स्नैक्स में, बटरफ्लाइज, कुछ एम्फीबियंस और फिशेस में ये देखने को मिलती है। उसी तरह एक और सेक्स डिटर्मिनेशन का केस देखने को मिलता है, हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम, जो कि सोशल इंसेक्ट्स बीज, वास्प, एंट्स, इन लोगों में देखने को मिलता है। यहाँ पे बीज का एग्जांपल्स हमने लिया है मधुमक्खी का, जिसमें 16 हैप्लॉयड्स हैं और जस्ट डबल 32 जो है वो डिप्लॉयड क्वीन और बाकी जो इनके सिस्टम्स हैं उनमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर हम देखें कि क्या इसके अलावा और भी कोई चीज़ है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है, तो यस वी हैव डिफरेंट अदर सिस्टम्स। जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन जो जीन है, जो उसका जीनोटाइप है, वो डिसाइड करेगा कि ये मेल होगा या फीमेल। एग्जांपल्स के तौर पे अगर ये केसेस अगर हम देखें तो यूजुअली यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स में कोई डिफरेंस नहीं होते, सारे क्रोमोसोम्स एक जैसे दिखेंगे। जैसा आपने अभी ह्यूमन में या ड्रोसोफिला में या दूसरे में देखा कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम या जेड डब्ल्यू सिस्टम में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी वेरिएशंस है, यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। जेनिक डिटर्मिनेशन जो है ना, जीनोटाइप पे हमने जैसे बताया कि होगा, जैसे स्मॉल कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी एक्सेट्रा, ये सब जो हमें प्लांट्स में, फंजाई में या लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोन्स वगैरह में देखने को मिलते हैं। अगर हम एक यूनिक, चूँकि सिलेबस में हमें ह्यूमन और ड्रोसोफिला का करना है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे हमने बताया कि हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम है जो सोशल इंसेक्ट्स, बीज, वास्प, एंट्स, इनमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे उसको मैं क्लियर करते चलूँ कि फीमेल जैसे टू एंड डिप्लॉयड कंडीशन है तो मियोटिक डिवीजन होगा, जिसके बाद कि हैप्लॉयड सेट हमें गैमेट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गैमेट्स में हमें एन एन मिलेंगे, इनमें नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो जो हैप्लॉयड गैमेट था वो डायरेक्ट पास ऑन हुआ और ये एन जाइगोट क्या करेगा, आगे फ्यूचर में मेल बनाएगा। उसी तरह जो मेल था ये माइटोटिक डिवीजन में उसका स्पर्म बना और वो इस जो एन हैप्लॉयड मियोटिक डिवीजन के था इसके थ्रू वो फर्टिलाइज किया और फिर ये टू एन जायगोट बना, उससे वो फीमेल क्वीन और बाकी जो सोशल उनकी मेंबर्स हैं वो बनाएंगे। तो हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम में जो सेक्स डिटरमाइन कैसे कर रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे, वेदर इट इज हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, एन है या टू एन है, इस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग नेचर में और भी एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का, जिसमें पहला है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये भी इन्फ्लुएंस करता है जीन को कि वो किस तरह से आगे आने वाला जो ऑर्गेनिजम्स है वो मेल बनेगा या फीमेल। एग्जांपल्स हम यहाँ पे एक मोलस्क का लेंगे, लिम्पेट्स का, और उसके बाद हम एक एग्जांपल्स लेंगे टर्टल का या रेप्टाइल्स में, जहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन की वजह से सेक्स डिफरेंशिएशन देखने को या डिटर्मिनेशन देखने को मिलती है। ये लिम्पेट का जो एग्जांपल्स हमने बताया कि ये इनके पोजीशन पे डिपेंड करता है। एक लिम्पेट है इनिशियली, यहाँ पे हमने दिया जो लोअर वन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फीमेल, ये क्या करता है कि एक केमिकल, स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करेगा। उस केमिकल की वजह से क्या होगा कि वो जो अपने लार्वीज हैं वो उनको अट्रैक्ट करेगा, तो लार्वीज क्या करेगा फीमेल के ऊपर
आके उसको स्टैक करेगा, बैठेगा, और वो उसको बैठने से वजह से क्या होगा कि जो नीचे वाला है वो फीमेल की तरफ बिहेव करेगी और ऊपर वाला मेल की तरफ बिहेव करेगा। तो जो फर्स्ट लिम्फेट सेटल करेगा, रिलीज करेगा जैसे हमने बताया केमिकल, और अटैक करेगा एडिशनल लार्वेज को दैट सेटल ऑन देयर टॉप। दीज लार्वे डेवलप इनटू द मेल, मीन्स वो बिहेव करेंगे एज अ मेल और सर्व करेंगे नीचे वाले जो है उसके लिए, वो फीमेल की तरह बिहेव करेगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि ओवर टाइम ये होगा, तुरंत इमीडिएट नहीं बनेंगे, तो ये क्या करेगा, मेल फीमेल यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो गया, ऊपर जैसे ही वो फिर से लैम्पेट में कन्वर्ट होगा वो फिर से केमिकल रिलीज करेगा, लार्वेज को फिर अट्रैक्ट करेगा, वो लार्वी मेल करेगा, नीचे वाले के लिए वो फीमेल की तरह कंसीडर करेगा, और फिर इस तरह से ओवर टाइम वो जो लार्वी था वो फिर नेक्स्ट फीमेल बनेगा, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे ही हमने दिखाने की कोशिश की है कि फीमेल, उसके बाद ये जो लार्वी था वो फीमेल चेंज हुआ, उसने लार्वी अट्रैक्ट किया तो वो लार्वा अगेन बिकम फीमेल, इस तरह से ये प्रोसेस लिम्फेट्स में चलते रहता है जस्ट बाय द स्टैकिंग ऑन वन अनदर। उसी तरह जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन में हमने देखा था कि कुछ जो क्यूज हैं वो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है। यहाँ पे एग्जांपल्स लिजर्ड, स्नैक और क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, इन सब में दिया गया। रिमेंबर जो ये एनिमल्स हैं सभी में एक ही रूल नहीं फॉलो होता। आई विल टेक द एग्जांपल, यहाँ पे हम एक एग्जांपल्स ले रहे हैं। देर इज वन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करता है, एक एंजाइम एरोमेटेज के प्रेजेंस में ये एस्ट्रैडियोल फीमेल सेक्स हार्मोन में कन्वर्ट होगा। तो मेल टेस्टोस्टेरोन मेल जो हार्मोन है एरोमेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, दिस इज मेकिंग एस्ट्रैडियोल फीमेल सेक्स हार्मोन। अब यही डिसाइड करता है कि मेल है या फीमेल बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो थर्मोसेंसिटिव पीरियड है वो क्रूशियल होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव पीरियड, वो डिसाइड करता है कि एरोमेटेज एक्टिव होगा या एरोमेटेज एंजाइम जो है वो इनएक्टिव रहेगा। तो इसका एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन रिजल्ट्स करेगा कि मेल ही रहेगा या फीमेल बनेगा। एरोमेटेज की जो रेगुलेशन है वो टेम्परेचर पे, तो थर्मोसेंसिटिव पीरियड के बियॉन्ड मीन्स पहले लो एरोमेटेज एक्टिविटी होती है और वो टेम्परेचर के द्वारा अफेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे ही थर्मोसेंसिटिव पीरियड में आएगा, इस वाले फेज पे आएगा, अगर हाई टेम्परेचर है तो एरोमेटेज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर एरोमेटेज की एक्टिविटी बढ़ेगी तो एस्ट्रैडियोल का फॉर्मेशन बढ़ेगा, दैट मीन्स कि फीमेल रूट की तरफ वो मूव करेगा और वो जो ओवरी के सिंथेसिस या फॉर्मेशन की तरफ लीड करेगा, सो दैट्स विल लीड टू द फीमेल फॉर्मेशन। ठीक उसी तरह अगर टेम्परेचर कम है, लो है, तो वो एरोमेटेज की एक्टिविटी लो ही रहेगी। लो एक्टिविटी की वजह से क्या होगा कि एस्ट्रैडियोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन ही रहेगा और उस वजह से टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा और वो रिप्रेजेंट करेगा मेल को ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स एक्सेप्शंस हैं, जो अमेरिकन एलिगेटर है उसकी स्टडी जब की गई तो पाया गया कि अगर हम एलिगेटर को रेयर करें 33 डिग्री सेल्सियस पे तो सभी मेल बनेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर हमने बिलो 33 कर दिया तो सभी फीमेल बनेंगे, अगर हमने अबोव 33 कर दिया तो 95% फीमेल बनेंगे इस एलिगेटर। तो ये एक एक्सेप्शन है, जैसा हमने पहले कहा कि हर ऑर्गेनिज्म में या स्पीसीज में ये वैरी कर रहे हैं टेम्परेचर रेगुलेशन का प्रोसेस। अब हम यहाँ पे कुछ क्रोनोलॉजी डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था आपके सिलेबस का दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला और ह्यूमन, तो कुछ बेसिक कभी कभी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में, उसको ध्यान में रखते हुए हैनकिंग ने 1891 में पहला एक क्रोमोसोम्स डिटेक्ट किया, लेकिन वो उसके इम्पोर्टेंस से अनअवेयर थे। तो जहाँ पे हम कोई चीज़ नहीं जानते वी कॉल एक्स फैक्टर, तो हैनकिंग ने भी इसको एक्स बॉडी बोला। ठीक है, यही एक्स बॉडी बाद में चल के स्टडीज में पता चला कि ये
एक्स क्रोमोसोम है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में लीड करता है, मेल और फीमेल के फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है। मैकलूम ने 1901 में इंसेक्ट में ये फाउंड किया कि दिस इज रिलेटेड टू द डिफरेंसेस इन क्रोमोसोम कंपोजिशन। बावरी और छुटान 1902 और 1903 में इंडिपेंडेंटली एक साथ नहीं, दे प्रपोज द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद विल्सन और स्टीवन ने 1905 से 1908 के बीच में इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो मेल में को रिप्रेजेंट करता है, और मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और उसी तरह फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और ऑटोसोम्स होते हैं। एक प्रोटीन और है, एक बग है, उसकी उन्होंने स्टडी की थी और ग्रासोपर्स में किया था। मॉर्गन ने पहली बार 1910 में बताया कि जो एक्स क्रोमोसोम है दिस इज कैरिंग अ जेनेटिक ट्रेट एंड सिचुएटेड ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम को उन्होंने आइडेंटिफाई एस एच नहीं, तो जो ट्रेट था वहाँ पे उन्होंने देखा था, ड्रोसोफिला फ्लाइज पे काम कर रहे थे एंड ही वाज स्टडिंग वाइट आई। वाइट आई लोकेट है एक्स क्रोमोसोम पे, तो वाइट आई में उन्होंने डिस्कवरी जो की थी वो सेक्स लिंकेज फिनोमेनन के लिए। तो ये ट्रेट आइडेंटिफिकेशन का जो क्रेडिट है वो मॉर्गन को जाता है। फिर जो कैल्विन ब्रिजेस हैं, इन्होंने क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज बहुत सारे स्टडीज किए जो कि एक्स लिंक्ड थे ड्रोसोफिला में, और ब्रिजेस ने ही फिर बाद में 1921 में इन्होंने जेनिक बैलेंस थ्योरी भी दिया जो आगे की स्लाइड्स में हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखें फ्लाइज में ड्रोसोफिला में, तो यूजुअली इनमें 8 क्रोमोसोम्स हैं, और इनका जो डिटर्मिनेशन है कि फ्लाई मेल बनेगा या फीमेल बनेगा वो डिपेंड करता है एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के रेशियो पे। तो एक्स क्रोमोसोम का नंबर कितना है और ए जो ऑटोसोम है उसके हैप्लॉइड सेट ऑटोसोम के कितने हैं उस पे डिपेंड करेगा। जो जेनिक बैलेंस सिस्टम है जो अभी आपने स्टडी किया कि ब्रिजेस ने 1921 में बताया था, जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला है वो अचीव करता है एक बैलेंस पे कि कितना एक्स है एक्स क्रोमोसोम का रेशियो और कितना ऑटोसोमल वहाँ पे लगा हुआ है उस पे डिपेंड करेगा। तो चूंकि ये एक बैलेंस फॉर्म में रहता है उसी से डिसाइड होती है कि एक्स रेशियो 1 है तो फीमेल है, 0.5 है तो मेल है, या अगर उससे 1.1 से ऊपर है या 0.5 से नीचे है तो क्या चेंजेस होंगे। तो चूंकि ये बैलेंस बना रहा है दोनों में, इसलिए ब्रिजेस ने इसको जेनिक बैलेंस सिस्टम या थ्योरी का नाम दिया। जो एक्स रेशियो है, अगर एक एक्स वन और ऑटोसोम दोनों का रेशियो बराबर है तो ये क्या आएगा, 1 आएगा एक्स भी और ए भी, तो ये लीड करेगा जो फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगी वो फीमेल फ्लाई की देखने को मिलेगी। ठीक उसी तरह एक्स वाई जो कि मेल में है और ए है, तो चूंकि यहाँ पे एक ही एक्स है और दो ए है तो इसलिए ये 0.5 हो जाएगा और ये रिप्रेजेंट करेगा मेल को। उसी तरह एक्स 0 है और ए है तो भी वही कंडीशन आएगा और ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर दो एक्स है, एक वाई है और ए है, तो अगेन जो एक्स रेशियो हुआ वो 1 आया और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरह अगर ट्रिपल एक्स है, 3 times x और डबल ए है, तो ये 1.5 हो गया रेशियो और ये जो फिनोटाइप देगा मेटा फीमेल का देगा। उसी तरह 3 times x और y और दो ऑटोसोम 1.5 अगेन गिविंग द फिनोटाइप ऑफ मेटा फीमेल। एक्स एक्स है और ट्रिपल ए है, इसका जो रेशियो होगा वो 0.67, ये इंटरसेक्स होगा जैसा हमने शुरू के डेफिनेशंस में बताया। एक्स जीरो है, ट्रिपल ए है, 0.33 ये मेटा मेल को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि 0.5 से नीचे जाएंगे तो वो सभी मेल वाले फीचर्स रखेंगे कुछ। 4 times x है
थ्री टाइम्स ऑटोसोम्स ए है, 1.3 हुआ, ये अगेन मेटाफीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एक चीज़ इस टेबल को देखने पे आपको लगा होगा कि इन ड्रोसोफिला एक्स क्रोमोसोम डज नॉट हैव एनी रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन कर रहा है? एक्स और ए, जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स है और ए ऑटोसोम्स है, इनका रेशियो ही फिनोटाइप को डिसाइड कर रहा है। अब अगर हम ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में हम लोग 46 क्रोमोसोम्स हमारे पास है, 23 पेयर, जिसमें कि 22 पेयर्स हमारे ऑटोसोम्स हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। फीमेल में यूजली वर्ड इसलिए लिया है, इन जनरल लिया है, कि हमें बहुत सारे सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर्स केसेस हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें वैरी करती हैं। नॉर्मल अगर फीमेल है तो 46 क्रोमोसोम होंगे, उस 46 में 44 ऑटोसोम होंगे, 22 पेयर्स, और 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। मेल के केस में 46 है और एक्स और वाई है, एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है। ये यहाँ पे हमने एक ह्यूमन का मेल कैरियोटाइप बनाया। कैरियोटाइप मीन्स कि हमने क्रोमोसोम्स की स्लाइड बनाई, मेटाफेज पे हमने बोन मैरो से सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको कॉल्चिसिन वगैरह के ट्रीटमेंट से देके आरएस किया एक मेटाफेज पे, और फिर उसकी स्लाइड बना के जब हमने उसका माइक्रो फोटोग्राफ्स लिया, दैट इज कॉल्ड कैरियोटाइप। तो इस कैरियोटाइप को अलाइन करते हैं 7 ग्रुप्स में। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है सिंप्लिसिटी के लिए, 1 से लेके 22, ये ऑटोसोम हो गया, ये एक्स क्रोमोसोम हो गया, ये वाई हो गया, क्योंकि ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहीं पे एक्स क्रोमोसोम हो गया तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप एक्स को देखें तो ये जो थर्ड ग्रुप है कैरियोटाइप का, मीडियम मेटासेंट्रिक, उस कैटेगरी में आता है, और जो वाई क्रोमोसोम है वो लास्ट वाले ग्रुप में, जी ग्रुप में आता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में वेरिएशंस यहाँ पे देखने को मिलता है। चूँकि ह्यूमन में वाई क्रोमोसोम्स मेलनेस या मेल कैरेक्टर को डिसाइड करता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वाई क्रोमोसोम्स के बारे में और स्टडी करेंगे। ये एक्स क्रोमोसोम है जिसमें बहुत सारे जीन हैं, जैसे डस्टमैन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD, जिसमें मसल वीक होते चले जाते हैं, मेलानोमा है, एक्स इनएक्टिवेटिंग सेंटर्स है, जिस्ट या स्किड है, या कलर ब्लाइंडनेस है, या हीमोफीलिया। मीन्स कहने का पर्पज़ ये है कि एक्स क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स हैं जो और भी फंक्शंस करते हैं या रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम्स है वो साइज में भी बहुत छोटा है। किसी भी क्रोमोसोम्स को अगर हम शो करें तो ऊपर वाला जो शॉर्ट आर्म है उसको हम पी बोलते हैं, और नीचे वाला जो लॉन्ग आर्म है उसको हम क्यू आर्म्स बोलते हैं। जो वाई क्रोमोसोम्स का ऊपर वाला आर्म है, पी आर्म है, उसमें टेस्टिस जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है, या SRY है जीन, वो मेन हमारा इंटरेस्ट का है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये वाई क्रोमोसोम्स को अब हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ये सेंट्रोमियर है, जो ये कॉन्स्ट्रिक्शन वाला पार्ट दिखा रहा है उसको हमने यहाँ पे शो किया हुआ। 1959 में ये यहाँ तक हमारी नॉलेज थी, या यूँ कहिए कि जानकारी थी। 66 पे पी आर्म और क्यू आर्म्स पे स्टडीज शुरू की, तो पाया गया कि जो टिप वाला पार्ट है पी आर्म का, वो सुडो ऑटोसोमल रीजन उसको बोला गया। उस रीजन को बाई 86 जब फर्दर स्टडी की गई तो पाया गया कि ये एक 140 KB का दो रीजन है, 1A1 और 1A2। जब इस रीजन को, येलो वाले पार्ट को, फर्दर फिर से इलाबरेट किया गया बाई द टाइम ऑफ 89, तो ये पाया गया कि ये एक 60 KB का जीन है, पार्ट है। और जब उसको फिर से स्टडी किए तो वहाँ पे पाया कि ये एक्चुअली 35 किलो बेस का रीजन है, जिसको कि SRY रीजन बोला गया। आगे हम लोग इसके डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
वाई क्रोमोसोम्स केवल मेल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने का ही जीन हार्बर कर रहा है और दूसरी चीजें नहीं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारे और भी जीन हैं जो रोल प्ले करते हैं, जैसे कि सेक्स लीथल एसेक्शन, ये इनकोड करता है एक आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर को। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की वजह से एक जीन शट ऑफ हो जा रहा है, या अगर स्प्लाइसिंग दूसरे तरीके से हो रही है तो वही सेम जीन दूसरा रोल प्ले कर रहा है और सिस्टम को ऑन कर रहा है या दूसरे प्रोटीन को रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्सेल का रोल है, ये एक फंक्शनल प्रोटीन बनाता है। ये क्या करेगा, जीन है, ट्रांसफॉर्म जीन है, वो फीमेल स्पेसिफिक जो डबल सेक्स डीएसएक्स प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करेगा। वो फर्दर अपने डाउन स्ट्रीम में फीमेल डिफरेंशिएशन जो जीन है उनको एक्टिवेट करेगा और इस तरह से वो फीमेल फिनोटाइप्स देगा। उसी तरह अगर एक्स वाई एम्ब्रियो है, मीन्स कि मेल एम्ब्रियो है, तो एक्सेल्स क्या करेगा, कोई फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनाएगा। ठीक है, फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनाएगा तो ट्रा भी एक्टिवेट नहीं हुआ और उसका फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना। तो डीएसएक्स क्या हुआ, शट ऑफ हुआ। वहाँ पे अनदर प्रोटीन फ्रू, जिसको कि फ्रूटलेस कह रहे, वो एक्टिवेट करेगा डीएसएक्स को और फिर वो मेल स्पेसिफिक डीएसएक्स प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेट स्प्लाइसिंग उसको एक्टिवेट करेगा और वो फर्दर डाउन स्ट्रीम जो मेल के लिए जीन है रिस्पॉन्सिबल उनको एक्टिवेट करेगा और इस तरह से फीमेल फिनोटाइप्स सॉरी मेल फिनोटाइप्स हमें देखने को मिलेंगे। वही चीज जो हमने देखा है कि फीमेल और मेल एक्स रेशियो अगर वन है, जैसा टेबल में आपने देखा था, तो फीमेल को लीड करेगा, लेकिन कैसे लीड करेगा, कौन से जीन है जो उसको रेगुलेट कर रहे हैं, और एक्स रेशियो 0.5 है तो यहाँ पे डी ए सिस ए सिस बी सी सी और भी जीन हैं जो कि सेक्स लीथल जीन को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर एक्स रेशियो 0.5 है तो ईएमई और डीपीएन इनके म्यूटेंट्स ये एक्सएल को एक्टिवेट करेंगे। तो एक्स एक्स है या एक्स वाई है, ये ऑन हो जाएगा फीमेल के केस में डिपेंडिंग ऑन रेशियो 1 और एक्स एक्स पे, और एक्स वाई पे ये ऑफ हो जाएगा। अगर ये ऑन हुआ, जैसा हमने अभी बताया कि ट्रावन को एक्टिवेट करेगा और विद द हेल्प ऑफ ट्रा टू ये क्या करेगा, डीएसएक्स जीन को एक्टिवेट करेगा, फ्रू यहाँ पे इनहिबिटर का काम करेगा। और ये जो डीएसएक्स है डाउन स्ट्रीम में इंटरसेक्स और हार इन दो जीन को एक्टिवेट करेगा एंड देन दैट वुड लीड टू द फॉर्मेशन गिविंग द फिनोटाइप ऑफ फीमेल। ठीक उसी तरह अगर ये ऑफ हो गया तो डीएसएक्स एक्टिवेट होगा फ्रू की वजह से और ये इनहिबिट करेगा इंटरसेक्स और हर को, और फिर डीएसएक्स अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के थ्रू ये जो प्रोटीन बनाएगा वो लीड करेगा डाउन स्ट्रीम मेल फिनोटाइप के रेगुलेटरी जीन्स को और वो अल्टीमेटली लास्ट में फिर हमें मेल फिनोटाइप्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ और जीन्स हैं जैसे SRY के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, दिस इज सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। तो ये जो मेजर जीन है जो कि टेस्टिस को डिटरमाइन करता है एक्स क्रोमोसोम पे, जो दिखाया गया था कि किस तरह से ये 35 KB का जो जीन है उसको लोगों ने स्टडी किया, आइडेंटिफाई किया। जो SOX9 जीन है ये भी टेस्टिस डिटरमाइनिंग या टेस्टिस डिटरमिनेशन के लिए रोल प्ले करता है, लेकिन ये वर्क करेगा जस्ट आफ्टर द SRY। अगर ये इसमें किसी वजह से ये म्यूटेंट हो रहा है या अपना फंक्शन नहीं कर रहा है तो गोनेडल डिसजेनेसिस का कारण बनता है। उसी तरह SF1 है, स्ट्रैडोजेनिक फैक्टर 1, ये बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो इंक्रीज करेगा SRY की एक्टिविटीज़ को बाई एक्टिवेटिंग सेवरल अदर जीन्स जो कि इन्वॉल्व हैं स्टीरॉयड की बायोसिंथेसिस में, और ये पर्टिकुलरली एक्सप्रेस करता है लिडिक सेल्स में। उसी तरह जो विल्ब्स ट्यूमर 1 है ये मल्टीपल ट्यूमर्स कॉज करता है किडनी में।
लेकिन जब गोनेट का डिफरेंशिएशन हो रहा था तो वहाँ पे जो रिजेस हैं, जेनेटल रिजेस, चूँकि ट्यूमर हर जगह बन रही है तो इस वजह से वो एरिया भी अफेक्ट होता है और इस वजह से गोनेडल डिसजेनेसिस यहाँ भी कॉज होती है। VNT4 है, ये केवल फीमेल में रहेगा, शट ऑफ हो जाता है जब XY जीनोटाइप देखने को मिलती है और ओवरी इस केस में फेल होती है फॉर्म प्रॉपरली इन म्यूटेंट फॉर्म। तो ये आज का था कि किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन एनिमल्स में होते हैं, पर्टिकुलरली ड्रोसोफिला और ह्यूमन के केस में हम लोगों ने देखा। यहाँ पे हमने जो डिफरेंट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, डिजीजेज हैं, या क्रोमोसोम में जो वेरिएशंस के वजह से डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं, वो वाले पार्ट को अभी स्किप किया है। वो आपके आगे आने वाले टॉपिक्स में हम उसको कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक्स था उसमें अगर हम देखें कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपके लिए रखे हैं। व्हाट इज मीन बाय सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आपको डिफाइन करने हैं। व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स, और इनके रोल्स के बारे में आप बताइए। उसी तरह आप डिफ्रेंशिएट करिए बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन। एक्स क्रोमोसोम का जो हमने स्ट्रक्चर्स दिया था, जो किस ग्रुप कैरियोटाइप में किस ग्रुप में आता है, वाई क्रोमोसोम किस ग्रुप में आता है, जो सुडो ऑटोसोमल उसका रीजन है वो उसके बारे में आप बताइए। व्हाट आर द रोल ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन सेक्स डिटर्मिनेशन, जितनी अभी आपने देखा तो आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इनके रोल को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज जेनिक बैलेंस थ्योरी, यहाँ पे ब्रिजेस का जो जेनिक बैलेंस थ्योरी है ड्रोसोफिला के केस में, उसके बारे में आप बता सकते हैं। एंड यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटोसोम इन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला, जो एक्स ए रेशियो है जो टेबल आपने देखा था उसके आधार पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।